एक स्वतंत्र रिसर्च ग्रुप Stand.Earth ने हाल में लास्ट माइल एमिशंस पर एक अध्ययन कराया था। इसमें दुनिया की 6 सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनियां भी थीं। अध्ययन में पाया गया कि भारत में कुल लास्ट माइल डिलीवरी एमिशन अंदाजन 5 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड जितना था, यानी 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल वाली गाड़ियों के सालाना CO2 उत्सर्जन के बराबर। 80% ट्रांसपोर्ट उत्सर्जन असल में हमारे ब्रीदिंग जोन में होने वाला उत्सर्जन है। इसीलिए जब हम ट्रांसपोर्ट एमिशन कहते हैं तो वो कमर्शियल या निजी ट्रांसपोर्ट कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर तो ये कमर्शियल ही है जिसमें फॉसिल फ्यूल से चलने वाले वाहन शामिल हैं। व्हिच इज व्हाट इज अफेक्टिंग अस मोस्टली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कंबशन। दुनिया के प्रमुख शहरों में देखें तो दिल्ली की हवा की क्वालिटी भी काफी खराब है। टैक्सी, भोजन और ई कॉमर्स डिलीवरी सेक्टरों में कंपनियों को एक डेडलाइन दी गई है। उन्हें अप्रैल 2030 तक अपने सारे वाहन इलेक्ट्रिक करने होंगे। आने वाले सालों में दिल्ली 3000 चार्जिंग पॉइंट तैयार कर रही है। फिलहाल 2500 से कम पॉइंट ही काम कर रहे हैं। बहुत सारे थ्री व्हीलर ड्राइवरों का यही कहना है कि उनके इलाकों में चार्जिंग की समस्या बनी हुई है। इस मुश्किल से निपटने के लिए वो चाहते हैं कि या तो उनके घरों में या बेसमेंट्स में या आसपास चार्जर लगे हों, भले ही वो गेटेड कम्युनिटी में ना रहते हों। भारत की ऊर्जा जरूरत में 75% हिस्सा जीवाश्म ईंधनों का है, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां पूरी तरह से इको फ्रेंडली नहीं हो सकेंगी, लेकिन पर्यावरण के लिए पेट्रोल की गाड़ियों के मुकाबले फिर भी बेहतर हैं। दिल्ली सरकार की 2020 में लॉन्च हुई ईवी नीति का लक्ष्य 2024 तक सारे नए पंजीकरण इलेक्ट्रिक के नाम करने का है।